गोरखपुर में ही आ गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन जनपद के 79 स्थानों पर गरीब आरोग्य मेले के नाम से आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का निःशुल्क इलाज, परामर्श व दवाइयों का वितरण भी किया गया। वहीं शासन की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लोगों का गोल्डन कार्ड भी बनाए गए। अभी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र बंद है, लेकिन जो भी हमारे राशन और खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, टीकाकरण प्लान हमारी आंगनवाड़ी बहनों पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं, बच्चे हमारे राशा की उपस्थिति में जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कुपोषित बच्चों को वहाँ पे दिखाया जाएगा। यदि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तो वो सामान्य। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। हाँ, ऐसे तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला जो है संडे को लगता था, लेकिन आज चूँकि गरीब दिवस मनाया गया है तो आज हमारे ज़िले में 79 जगहों पर आरोग्य मेला चल रहा है, जहाँ पर मरीजों की जांच, हर तरह की जांच होती है और उनको ब्लड प्रेशर की भी जांच होती है, शुगर की जांच होती है, हेपेटाइटिस की जांच होती है, HIV की जांच होती, तो वो कई तरह की जांचें होती हैं और दवाइयां भी दी जाती हैं। अगर उनको कोई परेशानी है तो उसके लिए दवाइयां दी जाती हैं। इस दौरान आयुष्मान कार्ड का भी लोगों को लाभ पहुँचाया जाएगा? आयुष्मान कार्ड का भी काउंटर रहता है, जो भी उसमें लाभार्थी है उसका आयुष्मान कार्ड भी बनता है। आज कई सेंटरों पर आयुष्मान कार्ड बने हैं, जो कि फिर प्रिंट आउट होकर के उनको डिस्ट्रीब्यूट किया।